हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कोल इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको जो डीए इंक्रीज हुआ है 1 अक्टूबर 2022 से, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि जो डीए होता है इन केस ऑफ पीएसयू, जिसको वीडीए बोलते हैं, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, वो हर 3 महीने के बाद रिवाइज होता है। तो ये अब 1 अक्टूबर 2022 से रिवाइज होना था, जो कि बढ़ के अभी हो गया है 34.8% हो गया है, और जो कि 1 अक्टूबर 2022 से पेबल होगा। तो इससे पहले वीडियो कितना था उसकी अगर हम बात करें और देखें कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो अगर इससे पहले हम बात कर लें तो जो सितंबर जो 22/7/2022 को जो लेटर निकला था उसमें 1/7/2022 से जो डियरनेस अलाउंस था वो 32.5% था, यानी 32.5% था, जो कि आपके बेसिक पर मिलता है। लेकिन अभी जो लेटर निकला है उसमें ये बढ़ के हो गया है 34.8%। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 2.3% का इंक्रीज है जो कि आपकी बेसिक सैलरी पे मिलता है। अगर मान लें किसी की बेसिक सैलरी 60,000 है, तो उसका 2% यानी कि 1,800 रुपये उसका डीए इंक्रीज हो गया, यानी 2.3% अगर एग्जैक्टली कहें तो। यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।